तो दो खूबसूरत हमारे साथ जो है कलाकार दिखाई दे रही हैं, ये है निशा और ये है मोनिका। अब निशा और मोनिका इनमें क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। इनमें खास ये है कि इस वक्त जो हमारे सामने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण साथ में माता सीता की तस्वीर आप देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे दर्शकों कि इसमें क्या खास है। दरअसल ये बेहद खास है, ये भगवान राम जो है आप इन्हें जिधर से देखेंगे ऐसा लगेगा कि भगवान श्री राम आपको देख रहे हैं, इस पेंटिंग की खासियत है। चलिए आपको यदि लगता है कि ये सच है कि नहीं तो आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मतलब राम की पेंटिंग के उल्टे हाथ पर हूँ, और पेंटिंग तो चूंकि फिक्स होती है, कलर फिक्स होते हैं, लेकिन निशा का ऐसा कहना है कि आप इन्हें 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो भगवान राम आपकी तरफ देख रहे हो। तो आइए दर्शकों देखते हैं, मन की आंखों को पहले भगवान श्री राम के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं और फिर आंखें खोलते हुए भगवान राम हमारी तरफ देख रहे हैं, लक्ष्मण हमारी तरफ देख रहे हैं, ये महसूस होता है। निशा ये कैसे किया आपने, मतलब जिस तरफ से भी देखो ये तस्वीर ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम हमें देख रहे हैं, कैसे हो पाता है ये? मैम ये राम की कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम है ना हमेशा स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मतलब जब मंदिर जाते थे तो राम की मूर्तियों को हमेशा निहारते रहते थे, घंटों निहारते रहते थे, उनमें हम लीन हो जाते थे और मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ मेरी बातें सब कुछ भगवान राम सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, जैसे लोग होते हैं, जैसे आप मुझसे आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत भावना से राम के सामने यह इच्छा जताई कि राम भगवान मुझे आपकी एक पेंटिंग बनानी है, उनसे अनुमति लेके और हनुमान जी को बोले कि हनुमान जी मेरे में इतना सामर्थ्य और कला नहीं है। बातें आपने मन से की? मन से की, हाँ मन में भगवान श्री राम, हाँ उन हनुमान जी को बोला मैं कि मुझे इतने लोगों में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, आप कृपा करो आओ आओ हनुमान जी और पेंटिंग बना दो। मैंने हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि हनुमान जी आइए और पेंटिंग बनाइए, सरजू का जल का प्रयोग करके राम भजन गाते गाते पेंटिंग बनाइए, और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि जैसे कहते हैं कि मन की भावनाएं निकलती है, तो पेंटिंग क्या है कि हम जिस भाव से किए भगवान उस भाव में आ गए हम। तो आपको ये लगता है कि आपने जो भगवान श्री राम से कहा कि मैं मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कुछ ऐसी तस्वीर तैयार कर सकूं जहां से भी देखे प्रभु राम आप हमें देख रहे हैं, ये नहीं बोला मेरा ऐसा नेचर था कि जब हम मंदिर जाते थे तो भगवान को निहारते रहते थे ऐसे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि भगवान भी मुझे रिप्लाई में निहार रहे हैं। फिर जब मैंने पेंटिंग्स बनाई सरजू के जल का प्रयोग करके, सरजू के घाट पे ही ये पूरी पेंटिंग्स बनी है और राम भजन गाते गाते बनी है, जब पूरी बन गई तो हम दोनों का तालमेल था, हमें फील होता रहा, वो भी फील भगवान करते होंगे मेरे लिए। तो लेकिन जब पेंटिंग बन के आया तो ये जो भावना थी वही भावना सबको दिखने लगी, जो मेरा उनके प्रति भावना था वो भावना सबको दिख रहा है पेंटिंग्स के रूप में, कि सब जब भी आप भगवान को देखेंगे जिस भाव से देखेंगे जहां से देखेंगे भगवान आपको देखेंगे। बहुत सुंदर निशा, जितने लोग आए हैं यहाँ पे उन सब देखे हैं और सब ने मुझे खुद ही बोला है कि हमें भगवान दिख रहे हैं। वाकई अद्भुत है, कहते हैं ना इसीलिए कि भगवान राम की माया अद्भुत है। मोनिका इनके जो गुण है वो भी कुछ कम नहीं है दर्शकों, ये आंखों को बंद करके पेंटिंग बनाती हैं, और ये दोनों ही बेटियां जो है वो मिथिला की हैं, और मिथिला से कौन था ये सब जानते हैं, हमारी माता सीता थी। तो जहां पर माता सीता जहां की हो उन पर भगवान श्री राम की कृपा कैसे न बरसे। मोनिका आप ये कब से कर रहे हो, मतलब पेंटिंग बनाने का आपको शौक है, कब से कर रहे हो, आंखें बंद करके आप पेंटिंग बनाते हो, आपने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं अभी तक? सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरे घर के सामने एक राम जी की मंदिर है जहां हमेशा बहुत सारी कथाएं होती रहती है, राम जी के बहुत सारे होते रहते, महाभारत गीता, तो वो राम जी को मैं हमेशा जब भी जाती हूं घर पे तो उनको वस्त्र पहनाती हूं, नहलाती हूं, धुलाती हूं, उनको पूरा सजा सजा करके तैयार करती हूं। अभी हम राम की नगरी में आए तो वैसे तो ये पेंटिंग मेरी दीदी बनाई है, मैं उनसे अभी सीख ही रही हूं, लेकिन मेरा क्या है मैं छठी ज्ञान इंद्रियों को अपने जागृत कर रखा है, क्योंकि कहते हैं ना महाभारत में कहा जाता है कि अर्जुन आंख पे कपड़ा बांध के मछली की आंख में तीर मारा था, मतलब वो आंख बंद करके भी देख सकते थे, कंसंट्रेशन। संजय ने महाभारत के वो सारे सीन दिखाए थे धृतराष्ट्र को जो रणभूमि में हो रहे थे, तो इसे छठी ज्ञान इंद्रिया का शक्तियां कहते हैं, जो मैंने खुद में जागृत कर रखा है योग से, कंसंट्रेशन से, तो मैं आंख बंद कर की जाने वाली मैं आंख बंद करके वो सारे काम कर सकती हूँ जो आंख खोलकर करते हैं।
तो अभी माँ सीता क्या 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 काम करते हो फिर आप ऐसे घर में? सारे कुछ मैं कर सकती हूँ, खाना बनाना, घूमना फिरना, साइकिल चलाना, पढ़ना लिखना, सारे काम। मैंने कहा ना, आंख खोलकर की जाने वाली सारे काम मैं आंख बंद करके कर सकती हूँ। तो अभी जो हमने ये पेंटिंग बनाई है दीदी के साथ में मिलकर, वो मुझे सिखा भी रही थी। तो जैसे मैं घर पे भगवान को कपड़ा पहनाती हूँ, वस्त्र पहनाती हूँ, जेवर पहनाती हूँ, तो इन पेंटिंग और पेंटिंग में मैंने जितने भी वैसे काम किए, जैसे राम जी, हनुमान जी को कपड़ा पहनाना, सीता मैया के जेवर बनाना, ये मैंने सारे आंख बंद करके बनाए हैं। और मैं उनसे जब कपड़ा बना के उनसे तैयार करती हूँ, तो मैं राम जी से मन ही मन बात करती हूँ, जैसे वो मेरे अपने हैं और वो मेरी बातें सुन रहे हैं। इस पेंटिंग में वो झलकता है कि आज राम जी हमसे बात कर रहे हैं अपने नजरों की दृष्टि से, और वो अपनी छाया हम पर रखे हुए हैं कि चलो आज तुम बात कर रही थी, आज मैं भी बात करता हूँ तुम्हारे साथ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हूँ। वाओ। और आप? मैम, मैंने बचपन से मधुबनी मिथिला पेंटिंग किया है। मैंने 8 से 9 साल मिथिला पेंटिंग, साड़ी, चादर, जितनी राम की कथाएं होती है, मिथिला का मतलब ही होता है मिथिल, जो सीता मैया का संस्कृति और सभ्यता है, रामायण का चित्रण ही मिथिला पेंटिंग है। कन कन खिला जमाई राज राम मिला, मिथिला कन कन खिला जमाई राज राम मिला, जनक सुती संग रही ओ ऐसे, जनक सुती संग रही ओ ऐसे, रामचंद्र चकोरी सिया, रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राज राम मिला। तो बेहद ही खूबसूरत आवाज में इन बच्चियों ने गाया भी, दोनों बहनें हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि मन की आंखों से देखो तो प्रभु आपको दिखाई देंगे, कहीं भी दिखाई देंगे, कहीं से भी दिखाई देंगे। और साथ ही साथ यदि धैर्यता है, पेशेंस है, तो आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हो जिसे आप इस दुनिया में जीना चाहते हो, करना चाहते हो, फिर वो कुछ भी हो सकती है, पेंटिंग भी हो सकती है, दुनिया का कोई भी काम भी हो सकता है। कैमरामैन रियाज के साथ INS 24/7 और जनता टीवी के लिए सोनल भारद्वाज, कौशल, अयोध्या से।